अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द पाकिस्तान एकेडमी एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। व्हाट्सएप अगर आप करना चाहें मुझे तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके सॉल्यूशन फाइल ले सकते हैं। ये पेड है, ₹500 इसकी कॉस्ट है। और अब मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। हमें दो फर्म्स बताई गई हैं यहाँ पे, एक स्टार कॉरपोरेशन है और एक मून है। यार पहला क्वेश्चन, मैं सीधा क्वेश्चंस पे आऊंगा। रिटर्न और स्प्रेड पॉइंट अगर हमने निकालना है तो सिंपल, आपकी बुक में अगर आप देखें जाके तो ये देखें, ये आपका फार्मूला दिया हुआ है। आपने इस फार्मूले में सारा डेटा एंटर करना है, आपका पॉइंट निकल आएगा स्प्रेड। और इसी तरह उसी का उसका आपने लोअर अपर भी निकाल लेनी है लिमिट इसी के मुताबिक, और रिटर्न पॉइंट भी निकाल लेना। ठीक हो गया, तो सबसे पहले आपने ये फाइंड कर लेना है। दूसरी बात आपने ये करनी है कि वाइल कॉरपोरेशन विच कॉरपोरेशन इन्वेस्ट, देखें जिस भी कॉरपोरेशन के पास अपने जो होती है ना कैश बैलेंस, उससे ज्यादा पैसे होंगे तो वो इन्वेस्ट करेगी। और वो पैसे ज्यादा किसके पास हैं वो आप देख सकते हैं इधर, क्लियरली आपको पता लग जाएगा। ठीक है, जब आप स्प्रेड पॉइंट निकालेंगे। अब एक होती है आपकी डिफेंसिव और एक होती है कंजर्वेटिव पॉलिसीज। तो जो फर्म शॉर्ट टर्म पे जा रही है वो एग्रेसिव की तरफ जा रही है, और जो नहीं जा रही शॉर्ट टर्म पे वो कंजर्वेटिव पे है। और प्रॉफिटेबिलिटी की इंटरेस्ट किसको इफेक्ट करेगा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ऑफकोर्स जिसका जो ज्यादा डेट से फाइनेंस हुई हुई है उसको इम्पेक्ट करेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा अगर आपको फिन सिक्स डबल इसका MGT 605 का, उसके अलावा फिन 623 का, उसके अलावा फिन 625 का, मतलब इस तरह के फाइनेंस के MGT 201 का, MGT 404 का, MGT 401, किसी का भी कुछ सॉल्यूशन चाहिए हो तो वो अवेलेबल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।